दोस्तों आज हम बात करेंगे केरला के जोइश कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कभी इंडिया में बहुत ज़्यादा थ्राइविंग थी यानी संपन्न थी, लेकिन अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो आइए इनके इतिहास और अभी के हालात के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीनी हेलेगुआ के बारे में, जिन्होंने 89 साल की उम्र में 11 अगस्त को कोची में अपनी अंतिम सांसें ली। वो केरला की परादेशी जोइस कम्युनिटी की आखिरी महिला थी। अब उनके भतीजे केथ, जो कि 65 साल के हैं और वो केरला के आखिरी परादेशी ज्यू यानी यहूदी हैं। ये जोइस कम्युनिटी केरला में बसती थी, खासकर कोची और मेटनचेरी में। 1940 में केरला की जोइस पॉपुलेशन लगभग 20,000 से 50,000 थी और आज इंडिया की जोइस पॉपुलेशन सिर्फ 4,000 से 5,000 के बीच है। ये मोस्टली मराठी स्पीकिंग बेने और इसराइल कम्युनिटी के लोग हैं जो कोंकण कोस्ट पर सेटल्ड हैं, लेकिन केरला की जुइश कम्युनिटीज सबसे पुरानी हैं। केरला में दो प्रमुख जुइश कम्युनिटीज थी, मालाबार जुइश और परादेशी जुइश। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मालाबार जुइश, जो कोचीन जुइश भी कहलाते हैं, इनका इतिहास 10th century बिफोर कॉमन एरा तक जाता है, जब ये किंग सोलोमन के समय सेटल हुए थे। ये पहले क्रैनगनोर, आज के कोडनगल्लूर में बस गए थे। लगभग 1000 कॉमन एरा के आसपास इन्हें लोकल हिंदू रूलर ने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे। 14th century से और पोर्चुगीज के आने के बाद ये लोग कोचीन शिफ्ट हो गए। परादेशी या परदेशी ज्यूज, जिनका मतलब है फॉरेन से आए हुए, यानी 15th और 16th सेंचुरी में आइबेरियन पेनिनसुला से इंडिया आए थे। ये परसिक्यूशन से बचने के लिए यहाँ आए और मालाबार कोस्ट पर सेटल हो गए। ये मलयालम बोलते थे और लोकल कस्टम्स को अपनाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ये एक अलग कम्युनिटी ही बन गए। इनके अलग होने का रीज़न था कि इन्होंने अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मेंटेन किया हुआ था। मालाबार ज्यूज और परादेसी ज्यूज दोनों ने अपने फील्ड्स में तरक्की की। जहां मालाबार ज्यूज स्पाइस ट्रेड में थे, वहीं परादेसी ज्यूज डायमंड ट्रेड में इन्वॉल्व थे। 1950 के दशक के बाद केरल में रह रहे यहूदी समुदाय के लोग इसराइल की ओर प्रवास करने लगे। अनुमान के अनुसार आज इसराइल में 4,000 से अधिक कोचनिम हैं, जो मुख्य रूप से केरल के यहूदी समुदाय से हैं। इनमें मलाबार यहूदी और परादेशी यहूदी दोनों शामिल हैं। वर्तमान में केरल में केवल परादेशी यहूदी और 14 मलाबार यहूदी बचे हैं। इस माइग्रेशन का मेन रीज़न था बेटर अपॉर्चुनिटीज और इसराइल के फॉर्मेशन के बाद वहाँ शिफ्ट होने के डिज़ायर। केरला के मत्तनचेरी और कोची में जी स्ट्रीट्स, कुछ ज्यूइश ओन्ड शॉप और बिजनेस हाउसेस बचे हैं। केरला में 7 सिनेगॉग्स भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख परादेशी सिनेगॉग्स हैं, जो 1568 कॉमन एरा में मत्तनचेरी में बनाया गया था। सिनेगॉग्स बेसिकली यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी केरला के ज्यूइश कम्युनिटीज की, जो कभी बहुत थ्राइविंग यानी संपन्न थी और आज लगभग खत्म हो चुकी है। इन्होंने अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को बनाए रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।